अगर आप इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी मूवी गोलमाल अगेन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 दिन और फिर यह मूवी आपको गुदगुदाने के लिए आ रही है। यह मूवी रिलीज़ हो रही है 20 अक्टूबर को, यानी इतना तो तय है कि इसे दिवाली वीकेंड का फ़ायदा तो पूरा मिलेगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला तगड़ा है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 19 अक्टूबर को आमिर खान लेकर आ रहे हैं सीक्रेट सुपरस्टार, जिसकी कल स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और सभी सेलिब्रिटी सीक्रेट सुपरस्टार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ हम सीक्रेट सुपरस्टार की नहीं बल्कि अजय देवगन की गोलमाल अगेन के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस मूवी में दो नए नाम जुड़े हैं जो हैं तब्बू और परिणीति चोपड़ा। मूवी का ट्रेलर देखकर ही लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती चली गई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको बताएंगे कि इस मूवी का बेसब्री से इंतज़ार क्यों है लोगों को। रोहित शेट्टी ने जब पहली गोलमाल बनाई थी तो हंसते हंसते लॉटपॉट हो गए थे सब। इसकी सफलता के कारण ही गोलमाल की 3 पार्ट बने जो हर बार धमाकेदार रहे। वहीं अब आ रही गोलमाल अगेन यानी कि इसका 4th पार्ट जो ट्रेलर देखकर मज़ेदार लग रहा है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी डायरेक्टर एक्टर की ऐसी जोड़ी जो जितनी बार भी एक साथ आई हमेशा मज़ेदार रही। जो मूवी को आप देख कर आए रोहित शेट्टी और अजय देवगन के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मूवी में तब्बू और परिणीति चोपड़ा नए कैरेक्टर हैं, वहीं तब्बू का कॉमेडी अंदाज एक बार फिर धमाका करेगा, ये तो तय है। भारतीय सिनेमा का इतिहास गवाह है कि इच्छाधारी नाग का कॉन्सेप्ट सभी को पसंद आया है और इस बार तो कॉमेडी अंदाज में तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। रोहित शेट्टी ने अपनी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में एक भूतिया सीन डाला है जो काफ़ी मज़ेदार तरीके से उन्होंने पेश किया है। इसके बाद से इतना तय हो गया है कि इस बार गोलमाल अगेन को भूतिया कॉन्सेप्ट देने वाले रोहित शेट्टी का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का साबित है। भाई इस बारे में तो ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं कि गोलमाल सीरीज़ की खासियत ही शानदार कॉमेडी है और मौका भी है दिवाली का, अपने परिवार के साथ हंसते हंसते दिवाली का सेलिब्रेशन तो बनता ही है। एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर। बुरी खबर ये कि मूवी में करीना नहीं है, वहीं अच्छी खबर ये कि उनकी जगह परिणीति चोपड़ा हैं। वो क्यूट हैं, प्यारी हैं और फैन फॉलोइंग भी उनकी बहुत अच्छी है, तो देखना बनता है कि परिणीति इसमें एक्टिंग कैसी करती हैं। गूंगा बोला रे बावा, जी हाँ, हर सीरीज़ में तुषार कपूर हूँ यानी कि गूंगे का किरदार निभाते हैं, हालांकि इसमें वो भी गूंगे ही हैं, लेकिन ट्रेलर में दिखाया गया कि जब तुषार कपूर में आत्मा आती है तो वो बोल पड़ते हैं। ये सीन ज़बरदस्त लग रहा है। खैर, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको धमाकेदार इस मूवी में देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको सिनेमाघरों का रुख ज़रूर करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे भैया, अजय देवगन की मूवी सुपर हिट हो और साथ ही साथ सुपर हिट का सुपर सीक्रेट स्टार का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा रहे। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बॉलीवुड की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।